नरसिंहपुर जिले की सभी चार विधानसभा नरसिंहपुर, तेंदुखेड़ा, गोटेगांव और गाडरवारा के लिए भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन जमा किए। इसी दौरान बड़ी संख्या में उनके नेता, कार्यकर्ता, समर्थक मौजूद रहे। मौजूदा विधानसभा चुनाव में भाजपा द्वारा घोषित उम्मीदवारों ने गुरुवार को दोपहर में जिला मुख्यालय नरसिंहपुर पहुंचकर चुनाव अधिकारी को अपना अपना पर्चा दाखिल किया। इस बार भाजपा की तरफ से दमोह सांसद व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर और नर्मदापुरम होशंगाबाद से तीन बार के सांसद राव उदय प्रताप सिंह को टिकट दिया है, जबकि तेंदुखेड़ा से एक बार फिर विश्वनाथ सिंह पटेल और गोटेगांव से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष महेंद्र नागेश भाजपा की ओर से प्रत्याशी हैं। आपको बता दें, नामांकन जमा करने पहले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आए, उनके साथ गोटेगांव प्रत्याशी महेंद्र नागेश साथ थे, तो दूसरी बार में सांसद राव उदय प्रताप और तेंदुखेड़ा प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह साथ आए। उनके साथ राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी और जिला भाजपा अध्यक्ष अभिलाष मिश्रा मौजूद थे। भाजपा के सभी उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। क्षेत्र के विकास के संदर्भ में पत्रकारों के सवाल पर बड़ी सफाई से अपनी उपलब्धियां बताईं और पार्टी के अंतर्कलह पर भी चुनावी बातें कहकर बचने का प्रयास किया। सुनिए भाजपा उम्मीदवारों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। ऐसा नहीं लगता, बहुत लेट मिली है टिकट, कम बैक कैसे लेट तो मिली है, दो मत नहीं है, मगर टिकट लेट मिल रहा है नहीं, क्योंकि हमारा संगठन जो माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पूरे में संगठन के लोग लगातार 5 साल से सक्रिय हैं हम लोग, और उसके परिणाम हमारे पक्ष में। पिछली बार नशा मुक्ति के विषय को लेकर आप मैदान में आए, इस बार विषय क्या रहेंगे आपके? पिछली बार अवैध शराब और नशा मुक्ति के लिए, अवैध शराब का मुद्दा खत्म हो गया, क्योंकि बकरे ये उस पर बात करने बेकार है। कहाँ तक विधायक जी को सोचना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। एक विधायक कम पढ़े लिखे लोग होने का जो नुकसान होता है, मैंने सुना कि वो बांध और बैराज में अंतर नहीं जानते। पिछले चुनाव में 17 गाँव के लोगों ने बहिष्कार किया था और मैं गया था। मैं राजनीति में चुनाव के समय कभी आश्वासन देता नहीं, लेकिन जो विकास मुन्ना भैया ने कराया है नरसिंहपुर में, 10-10 साल तक, 20-20 साल तक जो लोग मंत्री रहे वो नहीं करा सके जो मुन्ना भैया ने कराया, और कहकर समय सीमा के भीतर। और ये चरित्र मोदी जी के आने के बाद शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का रहा है। हम भूमि पूजन भी हम ही करते हैं, लोकार्पण भी हम ही करते हैं, आगे भी जो करेंगे वो हम ही करेंगे, हमसे मतलब भारत। आपकी जानकारी का स्रोत क्या है ये मुझे नहीं पता, बाकी मेरा 30 बरस का राजनीतिक अनुभव है। जो नेता है वो कार्यकर्ता बन गए, जो 15-20 साल से घरों से हमारे पार्टी के, जिन्होंने स्थापना की भारतीय जनता पार्टी की, जो सड़क पर नहीं उतरे थे वो सड़क पर हैं, और मतदाता कार्यकर्ता बन गया। वहाँ का वातावरण देखकर दिल को सुकून मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन कितना सशक्त, कितना ताकतवर और जमीन के अंदर कितना गहरे तक पैठ रखने वाला है। ये हम सब के लिए बड़े गौरवान्वित महसूस करते हुए गौरव की अनुभूति करता हूँ। चुनाव के लिए क्या रणनीति रहेगी, क्या उपलब्धि है, क्या? भारतीय जनता पार्टी की चुनाव के लिए अलग से कोई रणनीति नहीं होती। हमारा संगठन, हमारा दल लगातार 5 वर्ष काम करने वाला संगठन है। सरकार अपना काम करती है, संगठन अपना काम करता है, और स्वाभाविक रूप से भारतीय। नरसिंहपुर से तीरथ श्रीवास्तव की रिपोर्ट।